नमस्कार, वक्त हल्ला बोल का हो चुका है और आज बात 1.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने वाली फॉक्सकॉन वेदांता कंपनी की, जो भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने जा रही है। फॉक्सकॉन एक ताइवान बेस्ड कंपनी है और वेदांता एक भारतीय मूल की कंपनी, जिन दोनों कंपनियों के टाइप ने अपना प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित करने का तय किया है। ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है या फिर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज किया जाता है। ये दोनों कंपनियों का टाइप न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर रहा है बल्कि 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी देने जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बहुत बड़ा कदम है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। लेकिन बात यह है कि फरवरी के महीने में जब ये डील फाइनल हुई थी, तब इस कंपनी ने अपना प्लांट पुणे के तलेगांव में स्थापित करने का फाइनल किया था, सुनिश्चित किया था। और महाराष्ट्र की सरकार ने 1100 एकड़ की जमीन भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 400 एकड़ जमीन सरकार मुफ्त में कंपनी को देने जा रही थी। महाराष्ट्र की सरकार ने जितना हो सके उतनी मदद मुहैया करने का भी ऐलान किया था और उनको सबसे ज्यादा पैकेज देने का भी वादा किया था। महाराष्ट्र की सरकार इस कंपनी को महाराष्ट्र में लाने के लिए प्रतिबद्ध थी। सरकार बदलने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी ने भी 2 महीने पहले इसका प्रेजेंटेशन किया था और कंपनी के साथ बातचीत भी की थी और ये फाइनलाइज था कि ये कंपनी पुणे के तलेगांव में स्थापित होने जा रही है। लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी ने गुजरात के धोलेरा में शिफ्ट होने का तय किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी ने अपना निर्णय आखिरी वक्त पर बदल दिया। पुणे के तलेगांव में 50 किलोमीटर के अंदर स्किल्ड लेबर उपलब्ध है और वही धोलेरा गुजरात में यह 100 किलोमीटर तक स्किल्ड लेबर उपलब्ध नहीं है। पुणे के तलेगांव में 200 किलोमीटर के अंदर सप्लाई चेन मौजूद है, वही धोलेरा में सप्लाई चेन बहुत कमज़ोर। पुणे के तलेगांव में इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए अनुकूल वातावरण है और आनन फानन में एक्सपोर्ट हब भी है, लेकिन धोलेरा गुजरात में वातावरण उतना अनुकूल नहीं और एक्सपोर्ट हब भी मौजूद नहीं है। इतने सारे बिंदुओं का महाराष्ट्र के पुणे के तलेगांव के पक्ष में होने के बावजूद अगर ये कंपनी गुजरात के धोलेरा में शिफ्ट होने का ऐलान करती है और स्थापित होने का फैसला लेती है तो तमाम सवाल तो खड़े होंगे। और ऐसे वक्त में महाराष्ट्र के कैबिनेट के एक मंत्री कहते हैं कि इस कंपनी का गुजरात शिफ्ट होना पिछली सरकार के गलत निर्णयों और गलत फैसलों की वजह से है। हालांकि ऐसे हो भी सकता है, लेकिन अब 1 लाख से अधिक रोजगार का क्या, इस बड़े नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसी कंपनी की एक डील 5 बिलियन के डील से महाराष्ट्र को हाथ धोने पड़े। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की और महाराष्ट्र की भी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए हल्ला बोल।